Happy birthday, do you? Happy birthday. तो आज मैं बताऊंगी कि मेरी रमजान रेजोल्यूशंस क्या है कि रमजान में मैंने क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना तो so, पहला अभी मेरा एक दफा कुरान पा खत्म हो चुका है तो अब दूसरी दफ़ा मैंने स्टार्ट किया है तो उस पर मैं फोर्थ हूँ तो अब मैंने ये सोचा मेरा रमजान में वो ख़त्म करना है पूरा पुराना पाक और मैंने सारे नमाजें पढ़नी है एक भी नमाजें छोड़नी और त्राविया पढ़ना करनी है और सारे रोज़े रखना सबसे पहले मैंने सोचा था सारे रोज़े रखने हैं और अभी तक मैंने ये डिसाइड किया ताकि पाक महीना होता है रमज़ान तो उसमें अच्छा-अच्छा काम पर चाहिए इसलिए अभी तो मैंने पाक ख़त्म करना है मैं टॉप पे दो चीज़ें नमाज खत्म ख़त्म करना कह रही हूँ नमाज पढ़ा करनी है सारी और पाक ख़त्म करना है। ये अभी मेरी दो है और रोज़े भी सारे रखने ये भी एक थर्ड और मैंने और क्या करना था हाँ उतराविया पढ़ना करनी है और बुरे बुरे कामों से बचना अच्छे अच्छे काम करने तो मैं काफ़ी दिनों से मैंने व्लॉग मतलब ब्लॉग में नहीं आई तो मैं भी बोर हो रही थी तो मैंने सोचा चल आपको बताती हूँ क्योंकि रमज़ान आ रहा है कल पहला रोज़ा है और आज मंडे है कल शायद मैं भी पहला रोज़ा हो तो अब देखते हैं क्या होता है रमज़ान के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोग बताएं आप लोग हैं क्योंकि एक साल बाद पूरा वेट और फिर उसके बाद ईदी के फिर आपको मुझे लगता है ईदी ऐसी होती है तो आप रमज़ान में जो आप लोग मेहनत करते रोजर एक्टर उसका रिवॉर्ड मिलता है आपको ईदी पैसे सो उसके लिए भी सारे लगते हैं ज़्यादा ईदी जमा होती है कपड़े आप लोगों ने कपड़े ले लिए अपने ईद के शॉपिंग वगैरह एसेसरीज़ तो मैंने अभी कपड़े लिए अभी बाकी आप लोगों के साथ साथ जूते और बाकी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं आप लोग के साथ साथ हम लोग लेकर चलेंगे और या फिर मेरे बाल देख सकते हैं मैंने स्टेप कटिंग कराई थी अभी जब तो मैं नहाई उससे जब बाल कर लिए हुए थे जब मैं नहा कर आती हूँ इससे भी नज़र नहीं नज़र नहीं आ रही गीले भी हैं हल्के ये बिल्कुल ऐसे करके मामा से कटवाई थी क्योंकि मैं पार्लर से नहीं कटवाती मुझे अजीब लगता पार्लर से कटवाना तो मामा शुरू से ही बचपन से ही मामा ही मेरी काटते आ रही है बाल हेयर कट तो ये तो मेरी रेजोल्यूशन है आप लोग बताएं आप लोगों ने क्या रमजान तो सोचा हुआ क्या क्या करना है और आज हमने रोल समोसे वगैरह बनाए जैसा भी आप लोगों ने देखा या देखेंगे भी मामा डट करेंगे देखेंगे अभी आप लोगों ने देखा या देखेंगे तो ये है सीन फिर मैं आपसे बाय तो आज मैं बताऊँगी कि मेरी रमज़ान रेजोल्यूशन क्या है कि रमज़ान में मैंने क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना सो so, पहला अभी मेरा एक दफ़ा कुरान पाक ख़त्म हो चुका है तो अब दूसरी दफ़ा मैंने स्टार्ट किया है तो उस पर मैं फोर्थ स्पारे पे हूँ तो so, अब मैंने ये सोचा मैं रमज़ान में वो ख़त्म करना है पूरा क़रा पाक और मैंने सारे नमाजें पढ़नी है एक भी नमाजें छोड़नी और त्राविया पढ़ा करनी है और सारे रोज़ा सबसे पहले मैंने सोचा था सारे रोज़े रखने हैं और अभी तक मैंने ये डिसाइड किया ताकि पाँच महीना होता है रमज़ान तो उसमें अच्छा अच्छा काम करें इसलिए अभी तो मैंने कॉने पाक ख़त्म करना है मेरा टॉप पे दो चीज़ें नमाज खत्म ख़त्म करना कह रही हूँ नमाज पढ़ा करनी सारी और कॉन्ना पाक ख़त्म करना ये अभी मेरी दो है और रोजे भी सारे रखने ये भी एक थर्ड और मैंने और क्या करना था हाँ उतरावियाँ पढ़ना करनी है और बुरे बुरे कामों से बचना अच्छे अच्छे काम करने हैं तो मैं काफ़ी दिनों से मैंने ब्लॉग मतलब ब्लॉग में नहीं आई तो मैं भी बोर हो रही थी तो मैंने सोचा चल आपको बताती हूँ क्योंकि रमज़ान आ रहा है कल पहला रोज़ा है और आज मंडे है कल शायद मेरी पहला रोज़ा हो तो अब देखते हैं क्या होता है रमज़ान के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोग बताएँ आप लोग हैं क्योंकि एक साल बाद पूरा वेट और फिर उसके बाद ईदी के फिर आपको मुझे लगता है ईदी ऐसी होती है तो आप रमज़ान में जो आप लोग मेहनत करते हैं रोजे रेक्टर उसका रिवॉर्ड मिलता है आपको ईदी पैसे सो उसके लिए भी एक्साइटेड होते हैं ज़्यादा ईदी जमा होती है कपड़े आप लोगों ने कपड़े ले लिए अपने ईद के शॉपिंग वगैरह एसेसरीज़ तो मैंने अभी कपड़े ले लिए अभी बाकी आप लोगों के साथ साथ जूते और बाकी छोटी तो मोटी चीज़ें होती हैं आप लोग के साथ साथ हम लोग लेकर चले गए और ये आप लोग मेरे बाल देख सकते हैं मैंने स्टेप कटिंग कराई थी अभी तो मैंने नहाँ उससे हम बाल कर लिए हुए होते हैं जब मैं नहा आती हूँ इससे भी नज़र नहीं नज़र नहीं आ रही गीले भी हैं हल्के हल्के बिल्कुल ऐसे करके कि तो मामा से कटवाई थी क्योंकि मैं पार्लर से नहीं कटवाती मुझे मुझे नहीं होता पार्लर से कटवाना तो मामा शुरू से ही बचपन से ही मामा ही मेरी काटते आ रही है बाल हेयर कट तो ये तो मेरी रेजोल्यूशन आप लोग बताएं आप लोगों ने इस क्या सोचा क्या करना है और आज हमने बनाए जैसा भी आप, लोग ने, भी भी आप लोग ने देखा या देखेंगे 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 अभी आप ने देखा या तो ये है तो आप आप फैमिली, आप सब कैसे हैं आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत रमजान मुबारक हो जी यहाँ पर रमज़ान की प्रेपरेशन हो रही थी ये एक दिन पहले की वीडियो है अभी रमज़ान स्टार्ट नहीं हुआ था तो हाइलाइट्स में आपको दिखाया गया है कि हस्बैंड की बर्थडे हुई और फिर रमज़ान की तैयारी हुई तो आगे वीडियो में आपको सारा कुछ दिखाएंगे और यहाँ पर जी रोल समोसे ट्रेडिशनल जो लाज़म चीज़ें हैं जो लाजमी हम खाते हैं वो तैयार हो गई हैं और आगे फिर टीवी पर थोड़ी देर में अनाउंसमेंट भी हो गई थी कि सुबह पहला रोज़ा है तो मैंने शुक्र किया कि मैंने थोड़ी बहुत तैयारी कर ली थी तो रमज़ान की अपनी एक्साइटमेंट थी बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे और फिर हमने अपना माशाल्लाह माशाल्लाह दुआएं पढ़ी और जो सूरत क़दर इक्कीस बार पढ़ते हैं सूरत फ़तेह पढ़ते हैं तीन बार वो पढ़ी सब बच्चों ने और मैंने और ये जी हलीमा की सैरी है और उसके बाद फिर हस्बैंड की बर्थडे सेलिब्रेट की प्पी बर्थ टू यू हैप्पी बर्थ डे डेव मै नी मोर हैप्पी बर्थ टू यू जी बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद हम लोग सारों ने प्लान बनाया कि शाम को हम लोग डिनर पे जाएंगे यानी कि अफ्तार करने के लिए जाएंगे अब रमज़ान स्टार्ट हो चुका है और पहला रोज़ा था कि दूसरा तो हम लोग सारे हाँ सॉरी पहला ही रोज़ा था तो हम लोग सारे अवतार करने के लिए क्लब गए ऑफिसर्स क्लब और अवतार बफे था यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त बहुत सारी वैरायटी थी ट्रेडिशनल खाने भी थे कॉन्टीनेंटल भी थे चाइनीस भी थे और ये जी पकोड़े जो ट्रेडिशनल हमारा खाना होता है लाजमी अवतार में समोसे और फिर साथ में थे आगे आगे, आगे आपको दिखाती हूँ कि क्या था अब ये है जी स्प्रिंग रोल्स और उसके बाद हैं विंग्स जो बहुत मज़े के थे इसके ऊपर जो सॉस थी ना वो बहुत मज़े की थी तो और इनका टेस्ट भी क्योंकि फ़्रेश प्रिपेयर थे बहुत ही मज़े का सारा खाना था क्लब सैंडविच है इसके बाद आगे और फिर है जी फुल्कियाँ और फ्रूट चाट यानी बेसिक जो मेन्यू हर घर में बनता है ना ये मेरी प्लेट है और इसमें फिर जो हम लोगों ने शेयर कर लिया कि ताकि ज़ाया ना हो और ये खाने का क्लिप पहले आ गया अब आगे आपको खाना दिखाती हूँ ये मेरी प्लेट थी तो पोर्शन बना के खाएं ताकि ना ज़ाया ना हो खाना मगर फिर भी ये इतना डालने के बावजूद ऐसे लग रहा था बहुत ज़्यादा खाना डाल लिए अच्छा ये सैलड्स थे डिफरेंट और ये खाने का मेन्यू मैं आपको दिखा रही हूँ ये बिरयानी है चिकन सिंधी बिरयानी और ये मुगलाई चिकन है मेरा ख़्याल है जी हाँ और फिर ये है कबाब थे और ये मलाई बोटी है और उसके बाद आगे भी आपको दिखाते हैं ये फ़्रेश नान रोटी लोग ज़्यादा थे ना इर्द गिर्द तो मैं इतने अच्छे तरीके से वीडियो नहीं बना सकी नूडल्स चाइनीस राइस अब अल्लाह करे क्या मैं रेगुलर वीडियोस डालती रहूं चैनल बड़ा स्लो चलता है अगर आप काम ना करें तो ये जी मंचूरियन और ये बीफ ऑस्टर बीस है कि क्या है तो फिर ये था ये भी स्टेक्स थे और उसके अंदर बने हुए थे मशरूम सॉस में मज़े का था ये भी और फिर जी लास्ट में बर्गर्स भी थे ये पास्ता था और ये फ्राइज़ थे और ये मीठे में गुलाब जामन और ट्राइफल थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग कीप वाचिंग मोनास चैनल प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल आपका बहुत शुक्रिया इस तरह मेरा चैनल ग्रो करेगा लाइक करें शेयर करें